जनपद अमरोहा के थाना गजरौला के मछली मंडी में राहुल के मकान में हुई अज्ञात महिला की हत्या की घटना का पुलिस ने खुलासा कर हत्या करने वाले हत्यारे को आला कत्ल सहित गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि मामला जनपद अमरोहा के थाना गजरौला क्षेत्र का है, जहां पर बीते 9 नवंबर को थाना गजरौला के मछली मंडी में राहुल के मकान में किसी व्यक्ति द्वारा एक महिला की हत्या कर शव वही मकान में छिपा दिया था। इसके संबंध में थाना गजरौला पर मुकदमा पंजीकृत किया गया था। इसमें गजरौला पुलिस ने विवेचना के दौरान मृतका महिला की शिनाख्त ओजमा अब्दुल पुत्री कादिर निवासी मोहल्ला पुल्लांग गली थाना 14 जनपद निजामाबाद हैदराबाद के रूप में की गई थी। इसी क्रम में अभियुक्त सजात पुत्र फखरुद्दीन निवासी मोहल्ला चिल्ला थाना अमरोहा नगर जनपद अमरोहा प्रकाश में, जिसके द्वारा मृतका उजमा अब्दुल को फेसबुक के माध्यम से दोस्त बनाया गया और गजरौला बुलाया गया। मृतका उजमा अब्दुल द्वारा शादी की जीत की गई तो अभियुक्त सजात द्वारा मना कर दिया गया, जिसका मृतका उजमा द्वारा विरोध किया गया। इस पर अभियुक्त सजात द्वारा मृतका के दुपट्टे से गला घोटकर उसकी हत्या कर दी गई तथा हत्या की पुष्टि करने के लिए ईंट से 2 बार उसके सिर पर अभियुक्त द्वारा वार भी किया गया। अभियुक्त की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त ईंट आला कत्ल बरामद किया गया। ये प्रकरण थाना गजरौला का है, जिसमें 9 नवंबर को एक अज्ञात महिला का शव मिला, जिस क्रम में थाना गजरौला पर 302 धारा में मुकदमा पंजीकृत किया गया। महिला की बॉडी की आइडेंटिफिकेशन करने का प्रयास किया गया, जिसके बाद में पता चला इस महिला का नाम उस्मा बेगम है। ये रहने वाली निज़ामाबाद तेलंगाना स्टेट की हैं। इसमें जब और छानबीन की गई तो पता चला कि इनकी इस महिला की 6 नवंबर की मिसिंग ऑलरेडी निज़ामाबाद में लिखी गई है। साथ ही साथ ये महिला की मित्रता एक शहजाद नाम का व्यक्ति है जो अमरोहा नगर का रहने वाला है, इसके साथ फेसबुक पे इसकी मित्रता हुई थी। ये महिला इसके साथ शादी करना चाहती थी, लेकिन ये शहजाद ने इस महिला से शादी करने को इनकार कर दिया और ये घटना इस व्यक्ति द्वारा कारित की। इस शहजाद को थाना गजरौला पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है और इसको इसमें अन्य चीजें जो है वो विवेचना के क्रम में सामने आएंगी। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।